जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी फौजी, लकी डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर ओनर। तो आज मैं आपको ऑल इंडिया रिलेशन भर्ती प्लस स्पोर्ट्स कोटे की जो भी भर्तियां होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। और बाकी वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि ओपन रैली भर्ती का हर स्टेट का, जैसे खासकर मेरे पास बिहार वालों की सर बाली कब आएगी, यूपी की बाली कब आएगी, राजस्थान की लगभग बालियां की डेट नोटिफिकेशन आ चुका है। यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, इनकी कुछ की बची हुई है तो उनका भी नोटिफिकेशन आ रहा है। जैसे मैंने दो दिन पहले एक वीडियो डाला था, जलंधर का नोटिफिकेशन आया था, मैंने डाल दिया। तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। तो आज मैं ऑल इंडिया की लगभग जितनी हो सकता है मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जो रिलेशन वाले हैं प्लस जो स्पोर्ट्स कोटे से वो बंदे भर्ती देख सकते हैं। और बाकी कुछ बची हुई है, शायद मेरे दिमाग से निकल गई है, मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख के बता सकते हो या फोन कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज मेरे को कर सकते हो। तो बाकी जो बची हुई भर्ती है उनका भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो जितने ज्यादा मेरे पास कमेंट्स आएंगे तो उसी हिसाब से मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और एक और बताना चाहूंगा कि पैरा एसएफ की भर्ती आई हुई 15 दिसंबर से स्टार्ट है। तो उसमें कई बंदों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर इसमें हम दूसरे सेंटर वाले जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो उसके ऊपर भी मैं कल तक वीडियो बना दूंगा पैरा एसएफ की कब भर्ती है और उसमें दूसरा रिलेशन वाला बंदा देख सकता है या नहीं देख सकता है, उसके बारे में मैं कल वीडियो आपको बना के दूंगा। तो आज शुरू करते हैं ऑल इंडिया की बाकी रिलेशन वाली भर्तियां। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सीएमपी सेंटर बेंगलोर वालों की है, 2 दिसंबर 2020 से लेके 31 जनवरी 2021 तक। ओके, इसमें कुछ चेंजमेंट हो सकता है कोरोना की वजह से, उसके ऊपर यदि कोई ऐसा चेंजमेंट होगा तो आप देख लेना या मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। उसके बाद नंबर टू पे है एमएलआर सेंटर, 15 दिसंबर 2020 से लेके 28 फरवरी 2021। उसके बाद में नंबर थ्री है केआरसी सेंटर रानीखेत में, 28 दिसंबर 2020 से लेके 28 फरवरी 2021 तक। नंबर चार पे है आरबीसी सेंटर बेंगलोर, 28 नवंबर से भर्ती स्टार्ट है, 31 जनवरी 2021 तक। उसके बाद नंबर फाइव है आर्मड सेंटर अहमदनगर, 1 दिसंबर 2020 से लेके 28 फरवरी 2021 तक इसकी भर्ती होगी। ओके, नंबर सिक्स पे लेते हैं 58 गोरखा सेंटर जो हैप्पी वैली शिलोंग के अंदर है। खासकर मेरे पास नेपाल के मेरे भाइयों के फोन कॉल आते हैं, आसाम से भी, नॉर्थ ईस्ट से भी काफी फोन आ रहे हैं। तो 58 गोरखा वालों के लिए 23 दिसंबर 2020 से लेके 31 जनवरी 2021 तक यह भर्ती होगी। नेक्स्ट नंबर सेवन पे है बीईजी रुड़की में से जो सेंटर है, इसकी भर्ती है 16 नवंबर 2020 से लेके 31 जनवरी 2020 तक। उसके बाद में नंबर एट पे है एमआईआरसी सेंटर अहमदनगर, इसका है 23 नवंबर 2020 से लेके 31 जनवरी 2021 तक इसकी भर्ती होगी। उसके बाद में सिकलाई सेंटर फतेहगढ़ में, 9 नवंबर 2020 से लेके 31 जनवरी 2021 तक। उसके बाद में नेक्स्ट है गार्ड सेंटर, तो गार्ड सेंटर की है 28 दिसंबर 2020 से लेके 28 फरवरी 2021 तक। उसके बाद में आरटी सेंटर हैदराबाद, जी हाँ, आर्टिलरी यानी तोपखाना, इसके दो सेंटर है, एक नासिक में है, नासिक रोड पे, एक है हैदराबाद के अंदर है। तो हैदराबाद वाला का मैंने एक वीडियो का नोटिफिकेशन का डाल दिया कि 10 दिसंबर से भर्ती स्टार्ट है और 31 जनवरी। तो आरटी सेंटर हैदराबाद की 10 दिसंबर 2020 से लेके 31 जनवरी 2021 तक भर्ती चलेगी। उसके बाद में आरटी सेंटर नासिक की है, 17 दिसंबर से भर्ती स्टार्ट है और 28 फरवरी 2021 तक। तो मैंने लगभग काफी हद तक, मतलब जो ऑल इंडिया की मैंने जो वैकेंसी थी, जो रिलेशन वाली भर्तियां थी, उनका मैंने वीडियो बना दिया। और अपने लेवल में भी आप कोशिश करके चेक कर लेना आपको कब पहुंचना है, कोरोना के मद्देनजर क्या क्या सावधानियां रखनी है, पूरा आप अपना सावधानी बरतना और नेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट सही करवा लेना। कई बंदों के डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर कर दिया जाता है, तो मेरे भाई वो आपकी गलती है ना कि इंडियन आर्मी की गलती है। अपने डॉक्यूमेंट सही करा लेना और आपको सबसे ज्यादा शायद अभी मौका मिला तैयारी करने का, फिजिकल
फिजिकल का 5 मिनट या उससे कम आप लोगे तो आराम से आप भर्ती हो जाओगे, मेडिकल वगैरह कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आपका। तो आज का वीडियो आपको कैसा रहा, वीडियो शायद हेल्पफुल रहा है, वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करना मेरे भाई, लाइक कर दिया करो जिससे हमारे को मोटिवेट मिलता है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे आप जैसे और भी कई भाई हैं जिनको नहीं पता रहता है तो उनको इसका बेनिफिट मिल सके, और जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन घंटी दबा देना जिससे मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप उसका फायदा उठा सकेंगे, और भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेता रहूंगा। आपका दोस्त लकी फौजी, जय हिंद जय भारत।